आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले कल हम ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके थे। तो एल्जेब्रिक मेथड्स में हमारे पास तीन मेथड्स हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के। तीन मेथड्स हैं, वो तीन मेथड्स क्या हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है तो उसमें कोई भी इक्वेशन हम ले सकते हैं। दोनों इक्वेशन से आपने अपनी मर्जी से कोई भी एक इक्वेशन लेनी है और वहाँ से किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करना है, चाहे आप वेरिएबल एक्स करो या वेरिएबल वाई करो, फिर उसको आपने पुट करना है दूसरी इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसीलिए इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। तो उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू निकली तो हम उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकालेंगे। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू होंगी तो वो आएगी इस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इसी के बेसिस पे वर्किंग रूल क्वेश्चन में ये आपको मिल जाएगा। मैं एक्सरसाइज 3.3 शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज 3.3 शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या देगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने में सेकंड पार्ट से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे इसके फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल सिक्स पार्ट से दो मैंने करवाने हैं, बाकी आपने करने हैं। तो एक तो मैं सेकंड पार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट इसमें क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन की पेयर क्या दी गई है, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 के बराबर। इसको फर्स्ट इक्वेशन रखो और जो दूसरी इक्वेशन दी गई है वो क्या है, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 के बराबर। तो इसको आप प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हो। प्रॉपर फॉर्म में आपने लिखना तो कैसे लिखोगे, हमने देखने जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं बोथ साइड्स मिला के, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं तो वो उनका एलसीएम निकालना है। यहाँ से डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ से डिनोमिनेटर देखते हैं 2 है, यहाँ कोई भी डिनोमिनेटर नहीं, मतलब 1 है। तो इन सब का एलसीएम क्या आता है, दोनों अगर फोर प्राइम नंबर्स है तो एलसीएम क्या होता है, इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का एलसीएम क्या है, 6। तो जो इन डिनोमिनेटर का एलसीएम आया उस एलसीएम से हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एस अपॉन 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, 2s के बराबर। या 2s, फिर t अपॉन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 से 2 कैंसिल हो रही है, बन गया प्लस 3t, और आगे RHS में इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड को करना 6 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 36। तो ये आया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट s माइनस t 3, सेकेंड इक्वेशन है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 के बराबर। तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ गई। अब जैसा कि मैंने कहा था, हमने करना क्या है, कोई एक इक्वेशन लो उसे एक वेरिएबल को सेपरेट करो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख लूँगा, जरूरी नहीं फर्स्ट और सेकंड भी ले सकते हो, मैं फर्स्ट ले रहा हूँ यहाँ से, इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव इक्वेशन फर्स्ट से क्या हमारे पास एस माइनस टी किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो विच इम्प्लाइज दैट एस किसके बराबर आएगा, 3 इस माइनस टी को साइड ट्रांसपोज किए बनी प्लस टी, तो ये बनाई हमने थर्ड इक्वेशन, ये वेरिएबल एस इसके सेपरेट किया। तो आप क्या करेंगे, जो एस की ये वैल्यू आई 3 प्लस टी, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब फर्स्ट से थर्ड बनाई तो सब्स्टिट्यूशन किस में करनी है, सेकंड में। फर्स्ट से थर्ड बनाई तो सब्स्टिट्यूशन सेकंड में होगी, सेकंड से थर्ड बनाओगे, सेकंड को लेके अगर आप वेरिएबल सेपरेट करोगे तो वैल्यू फर्स्ट में पुट करनी है। तो मैं लिखूंगा नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1, वी गेट क्या जाएगा, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इक्वेशन 1 क्या आएगी हमारे पास, इक्वेशन 1 में सॉरी इक्वेशन 2 में पुट करनी, क्योंकि 1 से थर्ड बनाए तो 2 में पुट करें, इक्वेशन
टू क्या बनेगी हमारे पास, टू का टू और इस एस की जगह हम एस की ये वैल्यू लिखेंगे जो हमने सब्स्टिट्यूट की, इसकी जगह हम लिखेंगे थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री और आगे क्या आएगा प्लस थ्री टी का थ्री टी इज इक्वल टू 36। इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या जाएगा हमारे पास 2 × 3 = 6, 2 × t 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36 विच इंप्लाइज दैट 2 प्लस 3 होता है 5t इज इक्वल टू 36। ऐसे जिस 6 को साइड ट्रांसपोज किया ये हो गया -6, क्या वैल्यू आती है ये 30। 5t की वैल्यू 30 इंप्लाइज दैट t की वैल्यू क्या होगी 30/5, न्यू साइड जाके डिवाइड हो गया क्या निकली 6 के बराबर, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकली t की वैल्यू निकली। अब ये t की वैल्यू हम पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन थर्ड में। अब फर्स्ट सेटिंग में पुट कर सकते हैं लेकिन ज्यादा सिंपली इसको सॉल्व करते हो थर्ड में पुट करो, तो पुट t की वैल्यू 6 इन थर्ड वी गेट क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू क्या आएगी एस इज इक्वल टू 3 + t, तो 3 + t की जगह मेरे को इसकी वैल्यू 6 विच इज इक्वल टू 9 के बराबर, तो निकल गई दोनों वैल्यूज की वैल्यू, इसका क्या होगा सॉल्यूशन, एस की वैल्यू क्या है 9 एंड टी की वैल्यू क्या है 6। ये अभी हमारे पास ये 13 क्वेश्चन सॉल्व, तीन स्टेप्स पे फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये याद रखना है, स्टेप फर्स्ट में वर्किंग रूल इसका बता रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट में आपने कोई भी इक्वेशन लेनी है और उससे वैल्यू को सेपरेट करना है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, जो ये वैल्यू निकली उसको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर फर्स्ट से थर्ड ना होगी तो सब्स्टिट्यूशन होगी सेकंड में, सेकंड से थर्ड ना होगी तो सब्स्टिट्यूशन होगी फर्स्ट में, दूसरे स्टेप में सब्स्टिट्यूट करना, इसीलिए इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। जब सब्स्टिट्यूट करोगे एक वैल्यू की वैल्यू निकलेगी। फिर यह आया थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में हमने क्या कहा था, जब एक वैल्यू की वैल्यू निकली तो वहाँ से इक्वेशन थर्ड पुट करके दूसरे वैल्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। टोटल तीन स्टेप्स याद रखने इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक और पार्ट इसमें करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। थर्ड तो सिंपल है, ये प्रॉपर फॉर्म में ऑलरेडी। फोर्थ का थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं, जो इसका फोर्थ पार्ट है इसका हिंट दूंगा। देखो इसमें फोर्थ पार्ट में क्या दी गई हमारे पास, क्लियर ऑफ लिए इक्वेशन ये है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। थोड़ा पॉइंट्स में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करें तो 0.2 × 10 ये आएगा किसके बराबर, 2x, 0.3 का आएगा 3, y का y एंड 1.3 का आएगा, बहुत सारे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया या इस फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को भी यही इसी तरह आप करो, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है। इधर भी बहुत साइड्स हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर यही तीन स्टेप्स लेके आप सॉल्व करोगे एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व कराता हूँ, ये रूट्स वाला क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। इसका 5th पार्ट में हमारे पास दिया गया है, 5th पार्ट क्या है, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज पेयर ऑफ इक्वेशन इज इक्वेशन गिवन पेयर क्या दी गई है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, और √3x प्लस √-√8y = 0 ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है।
तो यहाँ भी हम यही तीन स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन हो उसमें वेरिएबल सेपरेट करो, कोई एक वेरिएबल चाहे एक्स चाहे वाई। तो मैं लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, फर्स्ट ही लेता हूँ, फर्स्ट वी हैव फर्स्ट इक्वेशन से क्या है हमारे पास, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। वेरिएबल एक्स सेपरेट करें तो हम क्या करेंगे, ये वाली ऐसे दिखेंगे टर्म, इधर क्या आ जाएगा जीरो, इसको साइड ट्रांसपोज करो माइनस रूट थ्री वाई, और यहाँ से इस रूट टू को भी उस साइड ले जाओ, टोटली सेपरेट करना वेरिएबल को, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो माइनस रूट थ्री का ये माइनस रूट थ्री वाई ही लिख सकते हो, अपॉन ये रूट टू साइड जाके क्या हो गया डिवाइड, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। ये फर्स्ट स्टेप आ गया सब्स्टिट्यूशन। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि इसमें सेकंड में, फर्स्ट के तो थर्ड में आई तो सब्स्टिट्यूशन होगी सेकंड में। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन थ्री टू इक्वेशन टू वी गेट, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बनेगी इक्वेशन टू। अब देखो रूट थ्री ऐसे और इस एक्स की जगह ये एक्स की वैल्यू ये क्या है माइनस रूट थ्री वाई अपॉन रूट टू, आगे क्या है इसे सेकेंड टर्म माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा, सबसे पहले हमें देखना है अगर इसके साथ ये कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल करो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमें क्या करना है, जो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है इससे बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, इससे इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी और एक्स को भी। तो देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करो किससे, रूट टू से बोथ साइड्स को, इधर रूट टू से मल्टीप्लाई करो तो रूट टू हो जाएगा कैंसिल, और पीछे रूट थ्री इंटू रूट थ्री साइन माइनस का ये बनेगा रूट थ्री का स्क्वायर इंटू वाई, रूट थ्री इंटू रूट थ्री रूट थ्री स्क्वायर इंटू वाई, फिर ये माइनस माइनस ऐसे ही। तो अब इसको भी हम किससे, रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड्स कर रहे हैं तो इधर आएगा रूट एट इंटू रूट टू इज इक्वल टू रूट सिक्सटीन वाई ऐसे ही, और इधर भी रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ देखो माइनस ऐसे स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये थ्री वाई का वाई, माइनस सिक्सटीन का रूट होता है फोर वाई ऐसे ही जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन, वाई की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो के बराबर, माइनस सेवन उस साइड जाके डिवाइड हो गया, जीरो से डिवाइड होकर वाई की वैल्यू जीरो। तो अब हम पुट करेंगे वाई की वैल्यू जीरो किस में है, इक्वेशन थर्ड में, ये थर्ड स्टेप शुरू हो रहा है थर्ड स्टेप में, फिर ये जो एक वेरिएबल की वैल्यू आई तो उसको पुट करते हैं दूसरे वेरिएबल में निकालते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसमें पुट करो माइनस रूट थ्री इंटू वाई की जगह जीरो अपॉन रूट टू का रूट टू, तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो गई पूरा जीरो लिखते हो, तो देयर फोर एक्स भी जीरो एंड वाई की वैल्यू भी जीरो। इसी का यार सिक्स पार्ट आपने सॉल्व करना है, तो सिक्स पार्ट देखो इसका हिंट देता हूँ, लीनियर इक्वेशन बना के देता हूँ तो आप फिर उसके बाद खुद सॉल्व करना। सिक्स पार्ट में क्या, पहली इक्वेशन थ्री एक्स अपॉन टू माइनस फाइव वाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करो पहले। तो क्या इसका रूल है प्रॉपर फॉर्म में चेंज करने का, हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते थे, यहाँ भी टू और थ्री डिनोमिनेटर्स एलसीएम आएगा सिक्स, उस सिक्स से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करो, तो सिक्स से इधर मल्टीप्लाई किया तो थ्री 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 सर नाइन एक्स माइनस ऐसे ही, इस टर्म को सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो थ्री टू जो सिक्स टू इंटू फाइव टेन वाई, और इधर भी इज इक्वल टू ऐसे इधर भी सिक्स से मल्टीप्लाई करिए माइनस टू आएगा फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन क्या है एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू थर्टीन अपॉन सिक्स के बराबर है। तो यहाँ भी हम इसी तरह देखेंगे बोथ साइड से हमने लेने डिनोमिनेटर्स और निकालना है एलसीएम, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है
थ्री यहाँ टू और यहाँ सिक्स, इन तीनों का एलसीएम हम लिखेंगे क्या आएगा, सिक्स के बराबर, क्योंकि ये सिक्स सबसे बड़ी टर्म है और ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। उसके इसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो जो बड़ी वाली टर्म, ये दोनों का मल्टीपल अगर सिक्स है तो सिक्स ही एलसीएम आएगा। सिक्स इसका एलसीएम आया तो हम क्या करेंगे, सिक्स से बहुत सारी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर सिक्स से मल्टीप्लाई किया थ्री से सिक्स कैंसिल तो टू एक्स, इधर मल्टीप्लाई किया सिक्स से आ जाएगा थ्री बाई, और इस टर्म को मल्टीप्लाई किया है थर्टी टू, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में आ गई। तो अब आप ये तीन स्टेप फॉलो करके इसमें से निकालोगे एक्स और वाई की वैल्यू, वो क्या है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू आप खुद सॉल्व करोगे, इसमें भी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है, पहले इसका सोल्यूशन निकालोगे फिर एम की वैल्यू फाइंड करनी है, जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी उसमें इस इक्वेशन को पुट करोगे तो एम की वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर टू अपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने क्या करना है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारे पास कुछ सिचुएशंस दी गई हैं तो हमने क्या करना है, इनकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले फॉर्म करनी है और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे पहली सिचुएशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, फाइंड देम। नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 26 के बराबर है और एक नंबर दूसरे नंबर का थ्री टाइम्स है, तो वो नंबर्स क्या होंगे। हम सबसे पहले इस सिचुएशन की एक लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, सिचुएशन की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके निकलेगी एक्स और वाई की वैल्यू, तो वो होंगे हमारे पास वो दो नंबर्स। तो सबसे पहले उन दो नंबर्स को मैं क्या लेट करता हूँ, एक्स एंड वाई, लेट द टू नंबर्स बी क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं, बट रहे तो दो वेरिएबल्स हमने दो नंबर्स लेट किए। यहाँ पे लिखना ब्रैकेट में x is greater than y, x greater number है, y small number है। According to first condition, according to first condition के according क्या है, इन दोनों numbers का difference कितना है, 26 के बराबर है, यानी कि larger number में से smaller number को subtract किया जाए तो कितना आता है 26x minus y is equal to 26 के बराबर। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कहा है, सेकंड कंडीशन वन नंबर इज थ्री टाइम्स अदर, वन नंबर इज थ्री टाइम्स अदर, यानी कि जो लार्जर वाला नंबर होगा वो स्मॉलर नंबर से थ्री टाइम्स है, स्मॉलर नंबर का थ्री टाइम्स। तो लार्जर नंबर हमने क्या रखा है, एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू वाई, तो ये ऐसे ही रखो, ये भी लीनियर इक्वेशन बन गई सेकंड। तो इसमें देखो हमने किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी एक्स हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वाई दिया गया है, थ्री वाई के बराबर है, तो इसमें डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूंगा, एक्स की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन टू टू इक्वेशन वन, वन वी गेट इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक्स की जगह मैं लिखूंगा इसकी जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें थ्री वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 26, विच इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा टू वाई की वैल्यू 26 इंप्लाइज दैट टू वाई 26 के बराबर है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 अपॉन ये टू साइड जाकर डिवाइड हो गया दैट इज 13, y की वैल्यू जो 13 आई है इसको पुट करो सेकंड इक्वेशन में, x की वैल्यू आ जाएगी पुट y इज इक्वल टू 13 इन सेकंड, वी गेट सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से x इज इक्वल टू 3 इनटू y की जगह 13 व्हिच इज इक्वल टू 39, x की वैल्यू क्या आई 39, y की वैल्यू क्या आई 13, देयरफॉर द टू नंबर्स आर, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 39 एंड 13, या देयरफॉर इसमें लिखो आप
लार्जर नंबर दो नंबर इज इक्वल टू 39 और स्मॉलर नंबर 13, इस तरह से रिस्पिया लिखवा देखो टू नंबर 39 एंड 13। तो ये हो गया, इस तरह से हमने सिचुएशन की लीनियर इक्वेशन बना के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम आगे इसके बाकी पार्ट्स कल डिस्कस करेंगे।